दोस्तों, फोन पे एप्लीकेशन में बैंक अकाउंट कैसे लिंक करते हैं इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाकर 2 दिन पहले ही अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर उस वीडियो का लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप चाहें तो वहाँ से उस वीडियो को देख कर बड़ी ही आसानी से फोन पे एप्लीकेशन में अपना बैंक अकाउंट लिंक कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि फोन पे एप्लीकेशन से अपने बैंक अकाउंट को कैसे डिलीट करें, और इसके साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि यदि आप चाहें तो फोन पे एप्लीकेशन में एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट को लिंक कर सकते हैं। तो ये सब कैसे करना है चलिए देख लेते हैं। दोस्तों आगे बढ़ें उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हमारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें सबसे पहले। और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल में फोन पे एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे मोबाइल में फोन पे एप्लीकेशन ओपन हो गया है। अब मान लीजिए फोन पे एप्लीकेशन में आपने पहले ही एक अकाउंट लिंक कर दिया है और आप दूसरा अकाउंट लिंक करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ देखिए नीचे में कई ऑप्शन मिल जाते हैं। पहले नंबर पे है होम, दूसरे पे स्टोरेज, तीसरे पे स्विच और चौथे पे माई मनी, पांचवें पे हिस्ट्री। तो ये जो चौथे नंबर पे माई मनी है इस पे क्लिक करेंगे, पेज को थोड़ा सा ऊपर खिसकाएंगे। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे जिसमें से एक ऑप्शन है पेमेंट मेथड। इसके अंतर्गत यहाँ देखिए नीचे में लिखा है UPI बैंक अकाउंट। तो हमें यदि बैंक अकाउंट को लिंक करना है या फिर बैंक अकाउंट को डिलीट करना है तो हमें इसी में यानी UPI बैंक अकाउंट इसमें हमें क्लिक करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने पहले से एक बैंक अकाउंट को लिंक किया है, उस बैंक अकाउंट का डिटेल यहाँ पे शो हो रहा है। यदि आप चाहते हैं कि आपका ये बैंक अकाउंट लिंक रहे और इसके साथ ही साथ किसी और बैंक अकाउंट को इसमें लिंक करना चाहते हैं तो यहाँ देखिए नीचे में लिखा है एड न्यू बैंक अकाउंट, इस पर क्लिक करके आप कोई नया बैंक अकाउंट इसमें लिंक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर सभी बैंकों का लिस्ट आ गया है, तो इसमें से आपका खाता जिस भी बैंक में है उस बैंक को सेलेक्ट कर लीजिए और इसके आगे का प्रोसेस मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। आप चाहें तो उस वीडियो को देखकर बड़ी आसानी से बैंक अकाउंट को लिंक कर सकते हैं। चलिए हम बैक चलते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि फोन पे एप्लीकेशन से इस बैंक अकाउंट को डिलीट करना तो यहाँ देखिए एक डिलीट का सिंबल बना है, इस पर क्लिक करके इस बैंक अकाउंट को यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। चलिए इस बैंक अकाउंट को डिलीट करके देखते हैं। तो इसके लिए डिलीट वाले सिंबल पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर लिखा है अनलिंक, तो हम अनलिंक पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर हमारा बैंक अकाउंट डिलीट हो चुका है, देखिए यहाँ पर ब्लैंक शो हो रहा है। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप लोग भी फोन पे एप्लीकेशन में एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट को लिंक कर सकते हैं। और यदि आप चाहें तो इसी प्रकार से यानी जैसे मैंने बताया है इसी प्रकार से अपने बैंक अकाउंट को फोन पे एप्लीकेशन से अनलिंक कर सकते हैं यानी बैंक अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में एक छोटा सा बेल आइकन आएगा उसको जरूर प्रेस कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।